नमस्कार, मैं हूं अरुण कमल और आप देख रहे हैं राइट मिरर। राइट मिरर के राइट टॉक शो में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था। दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि एक औरत की कामयाबी के पीछे किसी मर्द का भी हाथ हो सकता है। दोस्तों, हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने ये सच साबित कर दिखाया है। बात करते हैं हम लोकसभा चुनाव 2019 की। मामला है मेनका गांधी जी का। जी हाँ दोस्तों, मेनका गांधी जो लीक से हटकर चलती हैं, जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में एक अहम भूमिका निभाई है हिंदुस्तान में। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि मेनका गांधी जी 7 बार पीलीभीत से सांसद रह चुकी हैं और अब 8वीं बार उन्होंने जीत हासिल की है सुल्तानपुर से। दोस्तों, सुल्तानपुर वो क्षेत्र है जहां से पिछली बार वरुण गांधी यानी कि मेनका गांधी के पुत्र ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, लेकिन अब उसी सीट से मेनका गांधी ने जीत हासिल की है। आप ये कह लीजिए कि इस बार ये जो कदम मेनका गांधी ने उठाया, ये कदम उनका नहीं था बल्कि ये आलाकमान का आदेश था, यानी कि बीजेपी की रणनीति थी कि वो पीलीभीत छोड़कर सुल्तानपुर से चुनाव लड़े। अब उन्होंने सुल्तानपुर का जब रुख किया तो वहां हालात बहुत ही अलग थे, क्योंकि उनके जो प्रतिद्वंदी थे वो कुछ अलग छवि के व्यक्ति थे और उनके सामने चुनाव जीतना बड़ी टेढ़ी खीर थी, और ऐसे में एक करिश्मा हुआ। दोस्तों, इतिहास गवाह है, अगर रामायण यानी कि रामचंद्र जी की अगर रामायण को आप देखें तो उसमें रामचंद्र जी को युद्ध में जिताने में हनुमान जी की विशेष भूमिका थी, जिस तरह से महाभारत का युद्ध जिताने में भगवान कृष्ण की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिस तरह से अर्जुन के साथ सारथी बनकर डट कर खड़े रहे भगवान श्री कृष्ण और युद्ध को जिता दिया, वैसे ही हम बात करते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर शुक्ला जी की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर शुक्ला जी की, जिन्हें लोग प्यार से बेबी भैया भी बुलाते हैं। नमस्कार। तो दोस्तों, आप हैं चंद्रशेखर शुक्ला जी जिन्होंने मेनका गांधी जी को एक अच्छी जीत हासिल कराई। तो शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टॉक शो में, राइट टॉक में। तो हम जनता के लिए आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरह से मुमकिन हो पाया और मेनका गांधी की जीत में आपका कैसे क्या योगदान रहा, आपने क्या रणनीति रची कि मेनका जी को ये जीत हासिल। जैसे ही माननीय मेनका जी को प्रत्याशी घोषित किया गया और यह बात हम तक पहुंची, मैं मुंबई में ही था, बहुत प्रसन्नता हुई कि निश्चित रूप से पार्टी का जो निर्णय है बहुत अच्छा है और सुल्तानपुर वासियों के हित में है। और मेनका जी जैसा कैंडिडेट अगर सुल्तानपुर जनपद में आता है और हम लोग जिता ले जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जिले का सौभाग्य होगा और जो पिछड़ापन है जिले का वह दूर होगा और हम लोगों को उनके साथ काम करने का एक अच्छा अनुभव होगा और अच्छा अवसर मिलेगा। उसके तत्काल बाद से जब मैडम का नाम आया है, हमने यहाँ पर मुंबई में रह रहे उत्तर भारतीयों की एक मीटिंग बुलाई, जो मुंबई में रह रहे हैं लेकिन सुल्तानपुर के निवासी हैं, लेकिन बरसों से यहाँ रहकर रोजी रोटी कमा रहे हैं, ऐसे लोगों को मैंने इकट्ठा किया। ऐसा इकट्ठा करने के बाद में मैंने बताया कि मेनका जी को वहां से प्रत्याशी घोषित किया गया है और हम लोग अगर उनको जिता ले जाते हैं तो हम लोगों के जिले की कल्याण की बात होगी और हमारा जो पिछड़ापन से जूझ रहा जिला है निश्चित रूप से उसको अग्रणी श्रेणी में आने का एक अवसर मिलेगा। सारे लोगों ने कहा गठबंधन का प्रत्याशी वहां पर बहुत ही मजबूत और बहुत ही दबंग टाइप का प्रत्याशी है और काफी दिनों से वहां से प्रचार प्रसार कर रहा है, अपने पास समय भी कम रह गया है। लेकिन मैं सब लोग को समझाया कि हमारे मोदी जी का मिशन लेकर के, सबका साथ सबका विकास का मिशन लेकर के हम लोग जन जन के पास जाएंगे
और जो मोदी जी द्वारा कार्य किए गए हैं उन उपलब्धियों तक हम उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे। और निश्चित रूप से हमको पूरा विश्वास है कि मेनका जी जैसा कैंडिडेट जो मिला है, जिनका एक अपना अलग टाइप का इतिहास है, चाहे वन्य जीव संरक्षण की बात हो और चाहे पर्यावरण की बात हो, हर क्षेत्र में, और आज पीलीभीत जैसी जगह पे 10 चीनी मिले हैं उनका, एक जिले को जो विगत 7 टर्म जो सांसद रही हैं वहां से, उनका काम करने का एक अलग तरीका है। और वहां के लोग भी काफी बंबई में रहते हैं, वो लोग जो बताते हैं उससे मैं बहुत प्रभावित था कि निश्चित रूप से अपने जिले में भी आएंगी तो जिले का कायाकल्प होगा। यह सारी चीजें जब मैंने जनता के बीच में रखा, मुंबई वासियों के बीच में रखा, सारे मुंबई वासियों ने हमको समर्थन किया और वादा किया कि चलिए भैया टीम बना के चलते हैं और मेनका जी के लिए कार्य करते हैं। हम लोगों ने यहाँ से प्रस्थान किया, समय कम था, काम ज्यादा था, बहुत बड़ा जनपद है, लेकिन हमारे जयसिंहपुर ब्लॉक और जयसिंहपुर विधानसभा जिसको सदर के नाम से जाना जाता है, वहां के लोगों ने, हम निश्चित रूप से हम लोगों ने प्रचार प्रसार में काफी मेहनत किया, जन जन तक गए, डोर डोर तक गए, और वहां के ही विधानसभा क्षेत्र से जो हम लोग को मत प्राप्त हुआ वह निर्णायक भूमिका वाला मत प्राप्त हुआ और वहां के ही वोट से मैडम को जीत हासिल हुई। निश्चित रूप से सुल्तानपुर जनपद के एक एक जन को मैं बधाई देना चाहता हूं कि जनता ने हमारी बात सुनी और हमारी बात रखी, और हमारी बात रख के मेनका जी द्वारा किए गए भूतकाल में कार्य जो किए गए हैं उस कार्यों का आकलन जनता ने किया, और वर्तमान प्रत्याशी का क्या एटीट्यूड जनता के प्रति रहा है उसका आकलन किया, मोदी जी द्वारा किए गए कार्यों का आकलन किया, और हम लोग अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से घर घर जाकर के जो बात पहुंचाई वह बात लोगों के समझ में आई और हमको चुनाव जीतने का अवसर प्रदान हुआ। निश्चित रूप से मैं बधाई देता हूँ वहां की जनता को। अच्छा सर, जैसे कि आप भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और आपने ये जो मेनका गांधी जी को जीत हासिल कराई है, तो इसके बाद मेनका गांधी जी से क्या एक्सपेक्टेशन है आपको, क्या आप चाहते हैं कि वो क्या ऐसा खास कार्य करें? हमारे जनपद की स्थिति किसान बेस जिला है और किसानों का मुख्य जो साधन है उत्पत्ति का, वह साधन गन्ना है। गन्ने की पूरे जनपद में एक ही चीनी मिल है, वो भी खास्ता हालत में है। इसलिए जितने लोग गन्ना के व्यवसाय पर, गन्ना के खेती पर डिपेंड रहते हैं, वो लोग इससे वंचित रह जाते हैं और जिले की हालत बहुत खराब चल रही है। तो हमारी बड़ी अपेक्षा है, पहली बात तो चीनी मिल प्रमोट होगी, उसकी क्षमता बढ़ाई जाएगी और उसके द्वारा हमारे जनपद के किसानों को इसका लाभ पहुंचेगा। साथ ही साथ रोड रास्ते जहां नहीं पहुंच पाए हैं वहां तक भी निश्चित रूप से मेनका जी द्वारा वो कार्य किया जाएगा। जनपद की जो शहर है, सिटी एरिया है, सिटी एरिया की हालत, ट्रैफिक की व्यवस्थाएं बहुत ही दुर्दशा है, बहुत खराब स्थिति में है। निश्चित रूप से मेनका जी के संज्ञान में ला करके उस पर भी कार्य किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो लोगों को जाति और धर्म के आधार पर बांट करके वोट लेने की जो परिपाटी परंपरा रही है शुरू से, मेनका जी के आने से, मोदी जी के संदेश से वह परंपरा टूटी है और लोगों ने बिना जात बिना धर्म देखे एकमुश्त सारे लोगों ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया है। मैं समझता हूं कि हमारे जनपद की जो जनता है समझदार है, अब उसको गुमराह करके वोट नहीं लिया जा सकता। मैं बधाई देता हूं इस बात के लिए जनता। जैसे कि शुक्ला जी, आमतौर पर देखा गया कि आजकल के जो राजनीतिज्ञ हैं वो काम करने में कम विश्वास करते हैं रखते हैं और पब्लिसिटी और कुछ पद पाने की लालसा ज्यादा रहेंगे, लेकिन आपका जो तरीका है वो दूसरों से भिन्न है। आपने इतने सारे कार्य किए, इतने साल बीजेपी को दिए, इतने वरिष्ठ नेता हैं आप और बेशुमार काम किए आपने, तो आपको ऐसा कभी लालच नहीं होता या आपको ऐसा नहीं हुआ कि मैं खुद इलेक्शन में खड़ा हूं? समाज सेवा जो क्षेत्र है वह किसी पद या ओहदे की मोहताज नहीं होती। समाज सेवा जब करने निकला हूं तो हमको यह नहीं देखना चाहिए कि हमको कोई राजनीतिक पद की आवश्यकता है, और ऊपर वाले की कृपा से जब भी जो मेरा मिशन चल रहा है समाज सेवा वाला, इस मिशन में हमको ऊंचाइयां बहुत मिली हैं। आज चाहे सामूहिक विवाह का आयोजन हो, चाहे मेडिकल कैंप हो, चाहे कंबल वितरण कार्यक्रम हो, चाहे नेत्र परीक्षण कार्यक्रम हो,
सारे कार्यक्रम विगत 20 वर्षों से अनवरत चल रहे हैं और वो सारे कार्यक्रम जनहित में जनता के पास पहुंचकर गांव में सेवा करने का एक अवसर प्रदान हो रहा है। रही बात राजनीति की, हम किसी नेता के पास जा करके, अपने सीनियर के पास जा करके यह कह नहीं सकते कि हमको टिकट दीजिए, हमको चुनाव लड़ना है। अगर हमारे जितने फॉलोअर हैं, फॉलोअर हमको प्रोत्साहित करते रहते हैं कि भैया आपको भी चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैं एक ही चीज कहता हूं कि पार्टी का अपना एक सिस्टम है, पार्टी का आकलन अगर हमारे पक्ष में कभी फ्यूचर में भविष्य में आएगा तो निश्चित रूप से उस पर विचार किया जाएगा, और पार्टी अगर हमको उस योग्य समझेगी, प्रतिनिधित्व मैं कर सकता हूं, तो निश्चित रूप से अवसर देगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं इसके लिए बिल्कुल निराश नहीं हूं। तो दोस्तों, देखा आपने कि आजकल के जमाने में जो भी राजनीतिज्ञ हैं, जो भी राजनीति में आना चाहते हैं, वो सिर्फ अपनी अपनी बढ़ाई करना चाहते हैं, पद पाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करना चाहता है। तो दोस्तों, ऐसे लोग भी समाज में हैं जो काम करने में भी रखते हैं, जैसे कि हमारे शुक्ला जी, तो उन्होंने इतने सारे कार्य किए हैं और आज एक बड़ी जीत हासिल करवा की दी उन्होंने। तो बस इसी तरह से आप काम करते रहें और जनता के पैसे नहीं बल्कि जनता का दिल जीतते रहें, और जनता आपको दिल से चाहती रहे, और शायद यही सबसे बड़ा गिफ्ट होता है एक नेता के लिए। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आप इसी तरह से काम करते रहें और हमको इंटरव्यू देते रहें और जनता हमारा इंटरव्यू देखती रहे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए। तो दोस्तों, हम ऐसे ही समाज के कर्णधारों से जो सच्ची मायने में समाज की सेवा करते हैं, चाहे वो राजनीति के माध्यम से हो या समाज सेवा के माध्यम से हो, लेकिन सच्ची समाज सेवा जो होती है वो दिल से होती है। तो ऐसे ही दिल से समाज सेवा करने वाले लोगों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तो देखते रहिए हमारा टॉक शो राइट टॉक, राइट मिरर, देखना ना भूलिए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम फिर मिलेंगे आपसे दोबारा, देखते रहिए, प्लीज वॉचिंग। धन्यवाद।